आईपीएल 11 का 52वां मुकाबला आज रात 8 बजे से दिल्ली डेयरडेविल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर बात इन दोनों टीमों की करें तो यह मुकाबला जिन दोनों टीमों के बीच है, इन दोनों ने इस आईपीएल में लीग स्टेज का अपना पहला मुकाबला खेला हुआ है। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने दिल्ली की टीम को 13 रनों से हरा दिया था। ऐसे में यह मुकाबला दिल्ली की टीम के लिए चेन्नई से अपनी हार का बदला लेने और इस आईपीएल में अपनी साख बचाने का एक सुनहरा मौका होगा। अगर बात इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों के संभावित 11 की करें तो इस मुकाबले में जहां दिल्ली की टीम अपने पूर्व कप्तान गौतम गंभीर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई की टीम इस मुकाबले में डेविड विल्ली की जगह फाफ डु प्लेसिस को खेलने का मौका दे सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11: अंबाती रायडू, शेन वॉटसन, सुरेश रैना, सेम बिल्लिंग्स, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, दीपक चाहर, डीजे ब्रावो, रविंद्र जडेजा, फाफ डु प्लेसिस, करण शर्मा, शार्दुल ठाकुर। दिल्ली डेयरडेविल्स की प्लेइंग 11: गौतम गंभीर कप्तान, कॉलिन मुनरो, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, विजय शंकर, डेन क्रिस्टेन, पृथ्वी शॉ, अमित मिश्रा, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की टीम इस मैच में चेन्नई को हरा पाएगी और क्या दिल्ली की टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले में गौतम गंभीर को प्लेइंग 11 में मौका देगी? आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।